अगर चेक करना है खुद को तो जिनको हमने स्टार बनाया हुआ है पहले खुद से इसको देख करके आप निकालिए इनके ऑक्सीडेशन नंबर। रियली अगर आप खुद से निकाल पाते हैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर तब तो आपको ये लेक्चर देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन 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 अगर आप नहीं कर पाते हो तब तो ये लेक्चर आपको पूरा देखना ही चाहिए, बहुत काम का चैप्टर है। तो आइए मिलकर हम डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, आज आपके लिए लाए शानदार टॉपिक, नाम तो जानते होंगे, मैं एसएन, हम लोग मिलकर करेंगे केमिस्ट्री से फन। आइए देखते एंजॉय करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो है नाम पूरा एसएन से है यार, अब एसएन और फन मैच मत कराओ। चल यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखिये ये चैप्टर है ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे करेंगे कैलकुलेट, टॉपिक का नाम। अब इस चैप्टर में नया क्या हो सकता है, हमने आपके सामने कुछ मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके नीचे स्टार बना है। देखिए यहां पे सीएल कार्बन कुछ के नीचे स्टार बने हैं। सबसे पहले तो आप इन सभी कंपाउंड्स को देखिए, अगर आप इन सभी कंपाउंड्स के स्टार एटम जिसपे स्टार बना हुआ है अगर उनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हो तब तो आपके लिए इस चैप्टर में कुछ खास नहीं होगा। लेकिन अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तब तो ये चैप्टर आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर आपने केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर पढ़ा हो ऐसा कोई चैप्टर नहीं पाया होगा आपने जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर टर्म यूज ना किया गया हो, है ना, ऐसा बहुत काम का चैप्टर है। तो आइए मिलकर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले अब सोचिए, शुरुआत करते हैं लोग, यहां पर क्या ब्लीचिंग पाउडर लिखा हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर के सीएल की ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालते हो तो फॉर्मूले से कितनी आएगी। हाँ एक बात और बताते हैं आपको, एक बात और कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के दो तरीके हैं, दो मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के, दो ही मेथड हैं, ठीक है। एक तो होता है स्ट्रक्चर मेथड ठीक है, और एक होता है कौन सा, फॉर्मूला मेथड ठीक है। यहां पे कुछ लॉजिक बताए जाते हैं और यहां पे हर चीज सभी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। बाय द वे जो हमारा लॉजिक है, सबसे पहले तो हम आपको बता दें अगर आपको स्ट्रक्चर की समझ अच्छी है तो आप हमेशा इसी का यूज करें, क्योंकि इससे जब आप निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर तो कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। क्या बोला हमने, कभी भी आंसर गलत नहीं होगा, किसी एग्जाम में गलत नहीं होगा, इन यही बेस्ट है हमारी समझ से। और स्ट्रक्चर की समझ सीखना हो तो इसके लिए हमारे लेक्चर अवेलेबल है। बाय द वे हम आपको यहां पे फार्मूला मेथड भी बताएंगे इस लेक्चर में, तो आपको जो बेस्ट लगे वो करिएगा। बाय द वे हमको पूरा विश्वास है आप भी इसी पसंद करेंगे, क्योंकि इसके गलत होने की संभावना नहीं है, इसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं। ट्राई करो, देखो अब यहां पे स्ट्रक्चर बताते हैं पहले हम लोग, तो पहले जो आपसे क्या आंसर आएगा पहले हम आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाते हैं, खुद ट्राई कर लीजिएगा। जैसे दिया ब्लीचिंग पाउडर, अब आप निकालेंगे यहां पे सीएल की ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या करोगे बताइए, इसकी जानते हो सब लोग, आपको मैथड बता रहे हैं, यह आएगा प्लस टू लेते हो अपना, ओ का माइनस टू लेते हो, अब इसका एक्स मान लोगे, टू एक्स इज इक्वल टू जीरो करते हो, है ना, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, जो कि आंसर गलत है, फॉर्मूला से गलत आएगा। देखो इस मेथड से आंसर गलत क्या होगा, अभी आगे दिखाते हैं करके, इस तरह से नहीं आ सकता इसका आंसर। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आएगी प्लस वन एंड माइनस वन। अब कैसे हम आगे, एक्चुअली जो यहां पे ब्लीचिंग पाउडर देख रहे हो आप, यह ऐसे रहता है सी ए टू प्लस और साथ में यहां पे सीएल माइनस और एक है ओ सीएल माइनस। ये रियल ब्लीचिंग पाउडर ऐसे होता है, इसमें सीएल दो तरह के हैं, जब यहां पे निकालोगे आप ये सीएल का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन, यहां जब ये रियल में है क्या ओ, ऐसे सीएल है, दो डिफरेंट एटम के बीच बॉन्ड है ना, तो यहां पे आप जानते हैं ओ की सीएल से ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, याद है फोन एफ ओ एन, ये ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो एफ सबसे अधिक फिर ओ फिर एन, यानी ओ की सीएल से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट करेगा, इस पे चार्ज क्या आएगा प्लस, यहां चार्ज क्या आएगा माइनस,
तो इसमें चार्ज क्या आ रहा है माइनस और प्लस, इसमें क्या हो जाएगा प्लस वन, यानी एक सीएल माइनस वन और दूसरा सीएल प्लस वन। इस स्ट्रक्चर से देखिए दो आंसर आ गए, जबकि फार्मूला से जीरो आ रहा जो गलत है। तो कौन सा प्रिफर करोगे आप इस स्ट्रक्चर मेथड, है ना आसान? एक्चुअल में अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीडेशन नंबर के डेफिनेशन, तो किताबों में लिख क्या लिखा रहता है कि किसी कंपाउंड के या किसी भी स्पेशीज के एक एटम पे जितना चार्ज होता है उस चार्ज की संख्या को चिन्ह सहित आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, साइन के साथ मतलब। तो रियल में यह एक्चुअल में क्या है, फॉर्मल चार्ज होता है, फॉर्मल चार्ज। तो आप एक चीज याद रखना क्या कि अगर कहीं पे कोवेलेंट बॉन्ड दिया गया है, कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट, जाहिर सी बात है कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम के बीच बनेगा, है ना, जैसे H और Cl में दो ही चांस हैं। क्या चांस है, एक चांस है कि एक की ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरे की कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, एक चांस ये है। तो निगेटिव वाला जो रहेगा उस पर एक माइनस कर देना और जो कम रहेगा उस पर पॉजिटिव कर देना, यानी कि माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट और प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा चांस क्या है, दोनों के बराबर रहेगी, इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब इक्वल होगी इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी जीरो, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड या तो दो डिफरेंट एटम के बीच बनेगा, तो एक की पावर ज्यादा होगी दूसरे की पावर कम होगी, तो फॉर्मल चार्ज निगेटिव पे ज्यादा निगेटिव आ जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पावर प्लस आ जाएगा, तो इसका माइनस वन इसका प्लस वन, ये लॉजिक है, ये फॉर्मूला है। यानी अब आपसे कोई पूछे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पहचानना है, तो यह कोवेलेंट बॉन्ड पे कैसे पहचानोगे आप, जिसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रो, एक बॉन्ड पे हम बात करें, एक कोवेलेंट बॉन्ड पे जिसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके माइनस कर देना, जिसकी कम होगी उसके प्लस कर देना। अगर दो सेम एटम के बीच बना होगा, सेम एटम बोले तो सीएल सीएल, इसपे कोई चार्ज आएगा नहीं, जब कोई चार्ज नहीं आएगा क्या कर देना जीरो, इसपे भी जीरो और इसपे भी जीरो, ऑक्सीडेशन नंबर इसकी जीरो हो जाएगी, ठीक है। ये जब दो डिफरेंट एटम होंगे तो जिसकी पावर ज्यादा, जैसे सीएल क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आप इसको माइनस कर देना, ये क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको आप प्लस कर देना। सीएल के, सीएल की ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन और एच की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस प्लस वन। ऑक्सीडेशन नंबर की जगह पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स बोल सकते हैं, ठीक है, चाहे ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए चाहे आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स बोलिए, बात एक ही है, ठीक। आगे देखते हैं, अब आते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। अब अगर डायरेक्ट निकालते हो, डायरेक्ट देखिए एक चीज और, डायरेक्ट निकालेंगे तो क्या है बताइए, फॉर्मूले से मतलब, तो जिसका निकालना तो एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम लोग, एक्स मान लेते हैं, थ्री एक्स, क्या थ्री एक्स। अब आते हैं ओ, ओ पर क्या 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 क्या, हाँ माइनस टू, कितने ऑक्सीजन टू, कोई चार्ज नहीं है तो जीरो। अब आओ बताओ एक्स इज इक्वल टू क्या जब जाएगा, तो आ जाएगा फोर बाई थ्री प्लस फोर बाई थ्री, आएगा ना, बोल बोल आएगा। अब हम जरा इसके स्ट्रक्चर से आते हैं। अब इस स्ट्रक्चर पे आने से पहले क्या आपके बात समझ आ चुकी है, फॉर्मल चार्ज ही ऑक्सीडेशन नंबर है। लेकिन जब आपके बोर्ड एग्जाम में या किसी एग्जाम में कोई डिफिनेशन पूछ दे, कोई टीचर डिफिनेशन पूछ दे, तो बोलेंगे नंबर ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एनी कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। इट इज क्लियर, कोई डाउट हो तुरंत फोन करो, अरे फोन ये वाला फोन नहीं, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है हमारे वाले पे, ठीक है। आते आगे देखिए इसका स्ट्रक्चर किस याद है, हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं, तीन, ये रियल ऐसे सी डबल, यहां बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, इसको मिटाते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सॉरी कार्बन यहां पे है, ये हो गया कार्बन, इस पे कितने ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, तो एक आपके स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे। यहां पे हम केवल आपको ऑक्सीडेशन नंबर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बता रहे हैं। अब फॉर्मल चार्ज उससे निकालेंगे, हम आपको स्ट्रक्चर यहां पे नहीं सिखा रहे हैं, स्ट्रक्चर सीखना हो तो केमिकल बॉन्डिंग देखिएगा। अभी हम स्ट्रक्चर डायरेक्ट बनाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर सिखाएंगे, यहां पे आप स्ट्रक्चर पे फोकस करिए, कैसे बना है यह अलग सीखा जाएगा, यहाँ पे केवल ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाएगा।
देखिए हम सी पे फोकस कर रहे हैं, हमने क्या कहा फॉर्मल चार्ज होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड दो डिफरेंट के बीच बने तो ज्यादा वाले पे माइनस कम वाले पे प्लस। यहां देखिए दो बॉन्ड यहां पे है ना, तो ये इसकी तरह चार्ज विड्रॉ करेगा, ये माइनस हो गया इससे करेगा तो एक और माइनस हो गया, दो माइनस है ना। और इस पे देखिए एक प्लस इधर से एक प्लस इधर से, दो प्लस आ रहा है, बोलिए बोलिए। तो यहां देखिए इस कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई प्लस टू, इसकी प्लस टू, ओ की क्या हो गई माइनस टू। फिर हमको कार्बन से मतलब है, अब इस कार्बन पे आते हैं, ये दोनों सेम एटम है कार्बन कार्बन, जब दोनों एटम सेम है इक्वल हो गई इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। लेफ्ट साइड देख लीजिए सी और सी यानी कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन दोनों से ही सेम, कोई चार्ज आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या, इसकी वजह से भी जीरो, इसकी वजह से भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा ओवरऑल जीरो। क्लियर, चला इस पे देखिए यहां पे इस साइड का ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, एक माइनस यहां पे एक प्लस यहां पे, फॉर्मल चार्ज की बात की जा रही है, तो एक इधर करेगा एक प्लस एक माइनस, इस पे कितने प्लस दो प्लस, यानी इस कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू, प्लस टू। अब अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी, क्या पूछे अगर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी ऐसे, तब निकालेंगे आप प्लस टू जीरो प्लस टू, यानी अगर आपसे पूछता एवरेज इस कार्बन की, कार्बन सब ऑक्साइड में, तब आप करेंगे प्लस टू जीरो, फिर क्या प्लस टू, कितने ऑक्सीजन है तीन, तीन डिवाइड करेंगे तो प्लस फोर बाई थ्री। अगर आपसे एवरेज पूछता है तो प्लस फोर बाई थ्री आंसर सही होगा, लेकिन अगर आपसे पूछे अलग अलग कार्बन की तो प्लस टू जीरो प्लस टू, तब डिपेंड करता है एग्जाम में क्या पूछा है। तो फॉर्मूले से करने पे आंसर गलत हो सकता है, बट स्ट्रक्चर से करने पे कभी गलत नहीं होगा, इसलिए मेथड बेस्ट है। हम लोग यहाँ पे फॉर्मल चार्ज के बेसिस पहचाने की स्टोरी, याद रहे ज्यादा पावरफुल निगेटिव, कम पावरफुल पॉजिटिव, इसी पे। अब आइए अगले पे, ट्राई ब्रोमो आफ्टा ऑक्साइड पे। अगर आप डायरेक्ट करते हैं स्ट्रक्चर पर डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, देखिए अगर आप डायरेक्ट करते हैं यहां का बंदा आपका, देखिए यहां से जैसे इसका करते हैं आप 3x, 3x प्लस ओ पर माइनस टू इंटू एट इज इक्वल टू जीरो, 3x इज इक्वल टू प्लस सोलह सिक्सटीन, x इज इक्वल टू सिक्सटीन बाई थ्री, क्या आंसर आता है ना, 16 बाई थ्री आता इसका आंसर, जो कि गलत है, क्या है गलत है। अब आपके लोग इसके स्ट्रक्चर पे, आपके से कितनों के स्ट्रक्चर याद है, स्ट्रक्चर सीखेंगे अलग से हम लोग। यहां तो कितने बी आर है देखो ध्यान से, तीन बी आर है, एक बी आर, दूसरा बी आर और तीसरा बी आर, तीन बी आर हो गए। इस पे कितने ऑक्सीजन है आठ, तो तीन ऑक्सीजन इस पे रहते हैं। अब जो स्ट्रक्चर बता रहे हैं उसी पे फोकस करो अभी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं सीख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे केवल ऑक्सीडेशन नंबर सीख रहे हैं, स्ट्रक्चर के लिए अलग चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। और एक ओ लिखते हैं, बोलो, अच्छा ठीक है, एक ओ यहाँ पे आ जाएगा, एक ओ यहाँ पे आ जाएगा, और एक ओ यहाँ पे, तीन ओ किनारे दो बीच में, देखिए यह है बी आर थ्री ओ एट, कितने बॉन्ड बन रहे देखिए यहाँ पे, देखिए फिर यह ओ है, कितने बॉन्ड है इस बॉन्ड से बी आर और ओ में, ओ की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, तो इस पे आ जाएगा इस बॉन्ड की वजह से एक माइनस, इस बॉन्ड की वजह से एक और माइनस, इस बी आर की बात करें अगर हम इस बी आर की तो दो प्लस आ जाएंगे, एक प्लस यहां पे और एक प्लस यहां पे, ऐसे इसकी बात करें तो इसकी वजह से दो प्लस आ जाएगा ना, इस पे दो माइनस, इसकी बात करें यहां पे दो माइनस, दो प्लस यहां भी आ जाएगा, देखिए छह बॉन्ड थे टू फोर सिक्स, तो छह प्लस है टू थ्री फोर फाइव सिक्स, प्लस सिक्स ओवरऑल से क्या प्लस सिक्स हो गया है ना, इस वाले पे प्लस सिक्स इस बी आर पे। यहां देखते हैं, देखिए यहां बी आर कोई चार्ज नहीं, सेम सेम एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, इक्वल है ना, तो कोई चार्ज नहीं आएगा, बट इधर है वो, तो एक यहां पे माइनस, एक यहां पे माइनस, एक यहां प्लस, एक यहां प्लस, दो बॉन्ड है, इस दोनों बॉन्ड से ओ इलेक्ट्रॉन को अपने तक विड्रॉ करेगा, तो प्लस प्लस या माइनस माइनस,
इस साइड भी यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, कितने प्लस, फोर माइनस फोर प्लस, यहाँ पे इसका फोर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विड्रा करेगा तो एक माइनस एक प्लस, इस बॉन्ड से विड्रा करेगा, ओ की पावर ज्यादा है बिहार से है, तो ऐसे एक प्लस यहाँ पे एक और माइनस, ऐसे इस बिहार की बात करें तो एक प्लस यहाँ पे एक माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है, इसका एक विड्रा करे मतलब खींचे तो एक और प्लस एक खींचे ए माइनस एक और प्लस यहाँ पे आ जाएगा है ना, इस बिहार की बात करें हम तो दो प्लस यहाँ पे हो जाएगा, तो अब कितने प्लस, टू फोर सिक्स, छह बॉन्ड है, एक बिहार से एक ओ दो बॉन्ड से कनेक्ट है, दो प्लस डेवलप करेगा तो टू फोर सिक्स छह इस पे आ गया, फोर इस पे, एवरेज निकालने का अब कहा जाए इसका एवरेज, देखिए यहां पे हम यहां बात करते हैं हम इस वाले का, तो क्या हो जाएगा देखिए, पहले वाले का प्लस सिक्स है, इसका कितना है प्लस सिक्स, इसका प्लस फोर, प्लस फोर प्लस इसका कितना है प्लस सिक्स, टू फोर सिक्स देखिए है नहीं, और कितने भी याद है थ्री भी याद है, तो क्या हो जाएगा प्लस सिक्सटीन बाई थ्री, ये इसका एवरेज है। अगर आपसे पूछे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी आर इन बी आर थ्री ओ ए, तो आंसर होगा प्लस सिक्सटीन बाई थ्री, एवरेज पूछेगा तब, बट अगर आपसे पूछ दे अलग अलग बी आर का तो वहां पे आंसर होगा सिक्स फोर प्लस सिक्स प्लस फोर प्लस सिक्स, तो अलग है ही आंसर, तो कोई जरूरी नहीं एवरेज पूछे आपसे, इसलिए इसलिए मेंटली प्रिपेयर होना होगा, स्ट्रक्चर की समझ अच्छी होनी चाहिए। अब इसके बाद कौन है, सोडियम टेट्राथायोनेट, अब इस पे आते हैं तो थोड़ा इसको मिटाया जाए, क्या मिटाते हैं इसको यहां पे, अब आते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट पे, तो अगर आप इसका निकालते फॉर्मूले से, ठीक है फॉर्मूले से निकालते क्या आंसर आता पहले, तो सोडियम का प्लस वन लिखते हैं आप लोग, प्लस वन है ना, तो टू सोडियम है तो टू से कर लिया मल्टीप्लाई, प्लस एक सोडियम का एक्स मान लेते हैं तो फोर सोडियम का हो जाएगा फोर एक्स, प्लस ऊपर माइनस टू इंटू सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो फोर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन, प्लस टेन और एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस टेन बाई फोर यानी कि प्लस फाइव बाई टू, इसमें इसका आंसर आएगा ना प्लस फाइव बाई टू। देखिए अगर यह आपसे पूछे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर तो ठीक है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर तो ठीक है, अगर आपसे एवरेज ना पूछ करके आपसे अलग अलग चार सल्फर हैं, चारों का अलग अलग पूछ दे क्या क्या पॉसिबिलिटी है प्रोबेबिलिटी, तब कैसे निकालोगे आप, बिना स्ट्रक्चर के आएगा नहीं, तो स्ट्रक्चर की समझ होना बहुत जरूरी है, इसलिए केमिस्ट्री पढ़िए तो स्ट्रक्चर को मजबूत करने का प्रयास करिए, स्ट्रक्चर की पकड़ जितनी अप्रोच अच्छी होगी आपकी उतना अच्छा कर जाओ केमिस्ट्री में, आप स्ट्रक्चर सीखना बहुत जरूरी आपके लिए, केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग हो जाएगी मजेदार आसान, तो आइए कि इसको देखते हैं हम लोग, तो इसका नाम बिटाते हैं और यहाँ पे हम जो है इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं, कैसे आप यहाँ बनाते हैं कैसे, तो यहाँ पे है एंड ए टू, सबसे पहले स्ट्रक्चर पे देखिए कितने सल्फर है फोर, हमने फोर सल्फर कर दिया ऐसे, इस पे सिक्स है तो एक और कैसे होता है यहाँ पे, फिर एक और देख लीजिए ऐसे यहाँ पे होता है O पर Na, फिर यहाँ पे देखिए ऐसे O, फिर यहाँ पर O, फिर ऐसे O पे होता है Na, इसका स्ट्रक्चर बहुत तो जानते हुए आप लोगों में जो अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ते हैं है ना, तो आइए हम लोग पहचानते हैं इसमें फोर सल्फर है, पर यहां से स्टार्ट करते हैं इधर से इस पर कहीं से कर सकते हैं, देखिए पर यहां से शुरू करते हैं हम लोग, इस सल्फर की बात करते हैं, यहां बगल में आप इधर ऑक्सीजन है, इस बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा तो एक माइनस आएगा यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे प्लस आएगा है ना, अब बात रख सोडियम की वजह से इधर भी करेंगे प्लस, यहाँ पे और माइनस आ जाएगा वो पे इसकी वजह से, बट इधर से केवल एक ही आएगा ना, एक बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा, आपने कहा है जब तो कोवेलेंट बॉन्ड एक रहे, तो अब देखिए जिसकी ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको माइनस कर दो, जिसकी कम है उसको प्लस कर दो, ये हो गया प्लस, यहाँ देखिए एक दो बॉन्ड है इससे विड्रा करेगा इलेक्ट्रॉन खींचेगा मतलब इधर से खींचेगा तो एक माइनस इसकी वजह से एक माइनस की वजह से ऐसे एक प्लस यहाँ पे और एक प्लस यहाँ पे, ठीक यहाँ देख लीजिए ऊपर की तरफ क्या होगा यहाँ पे माइनस इसकी वजह से दो माइनस हो गए इससे यहाँ पे दो प्लस हो जाएंगे डायरेक्ट दो प्लस ही देखिए आप हाँ प्लस एक और प्लस आ जाएगा यहाँ पे टू प्लस कर देते हैं
या प्लस टू कर देते हैं से, तो प्लस आ जाएगा। यहां देखिए यानी कि इस पे क्या आ गया, इस सल्फर की बात करें हम लोग तो यहां पे देखिए एक प्लस, दो प्लस, तीन प्लस और दो पांच प्लस, ये फाइव प्लस हो गया, एक का फाइव प्लस। कैसे देख लीजिए, इस ओ से विड्रा करेगा एक प्लस आएगा, दूसरा प्लस, तीसरा प्लस, चौथा प्लस, पांचवा प्लस, पांच प्लस हो गया। इस सल्फर की बात की जा रही है, इस सल्फर पे आए हम लोग अगर, यहां पे इधर भी सल्फर, इधर भी सल्फर, दोनों तरफ सल्फर, और मतलब इक्वल हो गई इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जब इक्वल हो जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इस पर कोई चार्ज नहीं आता, कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आता। जब कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आता तो ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, यहां पे हो गया ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, इसकी भी जीरो और इसकी भी जीरो। ठीक है, अब इस पे आते हैं, फिर सेम स्टोरी। देखिए यहां पे इधर से विड्रा करेगा एक प्लस, जैसे यहां पे है एक प्लस, यहां पे दूसरा प्लस, तीसरा प्लस, चौथा प्लस, पांचवा प्लस, इस पर क्या आ जाएगा फाइव प्लस। समझ जाओ डायरेक्ट कर दिया हमने, जैसे यहां किया है एक इधर से विड्रा करेगा एक प्लस, दूसरा प्लस, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांच प्लस। अब आपसे अगर पूछता है एवरेज, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है, अगर मान लीजिए यहां पे यहां लिख देते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, तब यहां पे करते हैं आप कैसे, एक का प्लस फाइव है, प्लस फाइव करते हैं हम लोग, प्लस दो का जीरो जीरो है, जीरो प्लस जीरो, फिर इसका प्लस फाइव है तो प्लस फाइव, और सल्फर है फोर, देख लीजिए फोर, तब आप ऐसे कर दे तब यह आता प्लस फाइव बाई टू, ए इसका आंसर होता। एवरेज पूछेगा तब आएगा, ठीक है, एवरेज पूछेगा तब आप इसको निकालेंगे। और यहां पे अगर आपसे पूछ दे अलग अलग तो आपको ऐसे करना होगा। अगर सपोज आपसे पूछ दिया बीच वाले सल्फर का स्टार बना कर दिया, स्ट्रक्चर बना दिया हो, और पूछ दे चार सल्फर है, चारों सल्फर की अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर, तो प्लस फाइव बाई टू तो होगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर रियल में होता क्या है, इंडिविजुअल एक सिंगल एटम का चार्ज, फॉर्मल चार्ज वो होता है। एवरेज पूछे तब ऐसे निकालोगे आप, यानी कि फार्मूले से निकालने की दिक्कत हो सकती थी, स्ट्रक्चर से निकाला गया, देखिए स्ट्रक्चर भी बताएंगे आप, फार्मूले से बताएंगे तरीका आपको, बट यह आपको याद रहे, कितना आसान। देखिए बस क्या करना है, आपको देखना है कोवेलेंट बॉन्ड जो बना है दो डिफरेंट के बीच बना होगा, तो जाहिर सी बात है अगर कोवेलेंट बॉन्ड दो डिफरेंट एटम के बीच बना होगा तो जाहिर सी बात है एक होगी तो ज्यादा वाले पे माइनस कर देना, कम वाले प्लस कर देना, जैसा करते आ रहे हैं लोग। दोनों की इक्वल है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों पे जीरो कर देना, ठीक है, तो आ जाए करेगा। आइए अब हम लोग अगले ट्राई करते हैं, कैरोज एसिड या पराक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इस पे बातें। तो यहां पे अगर आप डायरेक्ट करते मान लीजिए इसका, तो कैसे करते, आप करते इसका प्लस वन, एस का प्लस वन होता है ना, और दो है एस तो टू से मल्टीप्लाई कर देते आप, सल्फर का मान लेते आप एक्स, ए मेथड सीखा है आपने, ओ का माइनस टू है ना, फाइव से मल्टीप्लाई करते बराबर जीरो, कोई चार्ज तो है नहीं, ऐसे किया ना आपने पहले, बोलो बोलो, हाँ ऐसे किया है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाता एट, तो सल्फर का प्लस एट, और जो गलत है क्योंकि गलत है, प्लस एट हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी एटम की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होती है उसके ग्रुप नंबर के इक्वल होती है, वह जिस वर्ग में, जिस ग्रुप में पाया जाता है, और आप जानते हैं सल्फर सिक्स ग्रुप में है तो हाईएस्ट प्लस सिक्स हो सकता है, प्लस एट आना जो गलत है, इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, देखिए है ना, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे, इसका नाम मिटाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर स्ट्रक्चर याद हो ठीक दिखे ऐसे। पहले तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल का जानते होंगे आप लोग, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब जैसे सल्फर हो गया, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ एच और यहाँ पे ओ एच, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसी में एक ओ एच को यह यहाँ पे ओ लगा के यहाँ पे एच कर दिया गया, यह पराक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है, इसका स्ट्रक्चर ठीक है। अब यहां देखिए फिर सेम स्टोरी, यह कोवेलेंट बॉन्ड बना, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बना है जो डिफरेंट एटम के बीच, इधर विड्रा करेगा ये क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है, इधर से ए विड्रा करेगा ये क्या आ जाएगा प्लस, और फिर देखिए यहाँ पे जब ए तो ए माइनस हो जाएगा इधर से है ना, इधर से ए माइनस, ए प्लस यहाँ पे आ गया, फिर इधर से भी विड्रा करेगा ये माइनस, फिर ए प्लस हो जाएगा है ना, इधर से देखिए इधर ओ है तो इधर ए विड्रा करेगा, फिर ए प्लस आ जाएगा यहाँ पे, इधर से ए विड्रा करेगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे एक और प्लस,
इधर से विड्रॉ करेगा एक और माइनस एक और प्लस, ठीक है। 7 रुपए को कितने प्लस आ चुके, इतना काउंट करिए तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्लस 6 आ गया। यानी यहाँ पर इस सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है या यहाँ देखिए डायरेक्ट सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई, प्लस 6 आ चुकी है। तो यहाँ प्लस 8 जो गलत है, यहाँ प्लस 6 होना चाहिए। कैसे याद रखिए, एक इधर विड्रॉ किया 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तो सल्फर में क्या प्लस 6 चार्ज आ गया। हम सल्फर की बात करें केवल, ठीक है, तो सल्फर हो गया प्लस 6 ऑक्सीजन स्टेट। अगर आपको मन में आ रहा कि ओ का कितना होगा, तो ओ का इधर विड्रॉ किया एक माइनस आ चुका है, ओ और एच में एच की पावर कम तो ओ ज्यादा है, तो यह विड्रॉ करेगा फिर इसकी तरफ, ये प्लस हो जाएगा एक और माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ओ की माइनस 2, ओ की माइनस 2, ओ की माइनस 2, ठीक है। हम ओ की बात नहीं कर रहे, वो माइनस हो जाएगा। बस यहाँ पेराक्साइड बॉन्ड, पेराक्साइड बॉन्ड ये इधर से विड्रॉ किया है, ये दोनों सेम सेम हो जाएंगे, ओ पर केवल माइनस 1 चार्ज आएगा क्योंकि इधर से बराबर है, इधर से बात करें तो भी माइनस 1 आएगा, ये प्लस 1। पेराक्साइड बॉन्ड में ओ की ऑक्सीडेशन नंबर माइनस 1 होती है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, तो इस पे देखा प्लस 6 क्या आया, प्लस 6 देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर से विड्रॉ किया 1 प्लस, इससे किया 2 प्लस, 3 प्लस, 4 प्लस, 5 प्लस और 6 प्लस, प्लस 6 होगी इसका ऑक्सीडेशन नंबर। कोई डाउट, स्ट्रक्चर से करना सीखिए, स्ट्रक्चर से तब सही होगा। अब आते हैं इसके अंदर की मार्शल्स एसिड पेरोक्साइडाइसल्फ्यूरिक एसिड इसका निकालते हैं, फिर फॉर्मूले से ट्राई कर लेते हैं एक बार, फॉर्मूले से क्या आता है आंसर। उसी तरह से देखिए, अगर आप इसका ट्राई करोगे तो प्लस 1 × 2 प्लस इसका 2x ओ का माइनस 2 × 8 इज इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू प्लस 7 जो कि गलत है, प्लस 7 जो कि क्या है गलत है, क्योंकि अब जानते हैं प्लस 6 से अधिक हो नहीं सकता, जो जिस ग्रुप में होता है वह उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होती है, तो प्लस 7 मतलब गलत, तो क्या करना होगा। फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर, तो मार्शल इनका नाम मिटाते हैं और यहाँ पे बात है इसका स्ट्रक्चर, देखिए ऐसे बनाया जाए, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को आप जानते ही हो, ऐसे है यहाँ बनाते हैं डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ एच, फिर कितने सल्फर है देखिए ऐसे, ये हो गया ओ, फिर यहाँ पे ओ, फिर एस डबल बॉन्ड ओ, फिर एस डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे ओ एच, ऐसे स्ट्रक्चर होता है देखिए, ठीक है। फिर अब देखिए हमें मतलब है एस से, ये रिटर्न इधर विड्रॉ कर रहा है तो यहाँ पे 8 प्लस है ना, यहाँ माइनस, फाइनल चार्ज दो डिफरेंट एटम मोर और लेस, तो लेस वाले पे प्लस, मोर वाले पे ज्यादा है ना, माइनस, ऐसे ये विड्रॉ करेगा यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, इधर से विड्रॉ करेगा यहाँ माइनस ए प्लस, इधर से विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, इधर से विड्रॉ करेगा फिर एक प्लस, फिर एक माइनस, फिर विड्रॉ करेगा एक प्लस और एक माइनस। इस सल्फर पे कितने चार्ज, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस 6, यानी एक सल्फर पे तो प्लस 6 आ गया, यहाँ पे सिर्फ प्लस 6 आएगा, यहाँ तो आ गया प्लस 6, ठीक है। उस ओ की बात करें देख लीजिए, माइनस 2 इसमें आ गया, माइनस 2 यहाँ पे आ गया, इसकी बात करें तो इधर से विड्रॉ करेगा तो इसकी माइनस 2, समझ रहे हो आप, यहाँ प्लस 1 प्लस है ना, यहाँ देखिए पेरोक्साइड बॉन्ड है, यह क्या है पेरोक्साइड बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, अगर ओ और ओ के बीच में कहीं सिंगल बॉन्ड है तो उस बॉन्ड को बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड, क्या बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड, पेरोक्साइड बॉन्ड ऐसे, ठीक है। पेरोक्साइड जब इसका माइनस 1 हो जाता है, वैसे इधर से देखिए, इधर से कर नहीं पाएगा, सेम सेम है दोनों, सेम एटम देखो यार, इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा, जब चार्ज नहीं आएगा तो यहाँ पे इसकी वजह से 0, बट इधर से तो ट्रैक करेगा ही, तो एक माइनस, इससे फिर एक प्लस, इधर से विड्रॉ करेगा एक प्लस, यहाँ पे एक माइनस, फिर इधर से विड्रॉ करे एक प्लस एक माइनस, इसका सेम सेम माइनस यहाँ प्लस, इधर से करे तो ये माइनस, फिर यहाँ प्लस, इधर से करे तो फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, कितना आ गया प्लस 6, देख लो 2, 3, 4, 5, 6 नहीं प्लस 6 यहां भी हो गया, ठीक है। अब यहां देखिए, अगर आपसे पूछता है इसका एवरेज भी, तो प्लस 6 प्लस 6 बाई 2 तो प्लस 6 आता है, नहीं इसका आंसर क्या है प्लस 6, यानी इसका आंसर होना चाहिए प्लस 6। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चरल मेथड कितना कारगर है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, इतने एग्जांपल्स आपके लिए एनएफ होंगे, और भी दिखाते हैं ढेर सारे फिलहाल स्ट्रक्चरल पे। एक और देखिए, जरा CrO5 पर ट्राई करते हैं, CrO5 का यहाँ पे लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं ना, फिर देखिए ऐसे यहाँ पे
CrO5 ट्राई करते हैं। अगर CrO5 डायरेक्ट करते हैं, देखिए यहां CrO5 लिखा है ना, CrO5 क्रोमियम का पेंटॉक्साइड है। अब डायरेक्ट करते हैं इसका, आप क्या मानते हैं, इसका एक्स मान लेते, प्लस ओ का -2 होता है, 2 × 5 करते इज इक्वल टू, इसके कोई चार्ज नहीं, 0 कर देते आप, तो एक्स इज इक्वल क्या आता, प्लस चेन आता, जो गलत है। देखिए डायरेक्ट यही है फॉर्मुला मेथड, तो बताएंगे यार क्या किया जाए। अब इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए ऐसे बना होता है, इसके स्ट्रक्चर देखते हैं, सीआर दिया गया है, इसका स्ट्रक्चर कुछ यूनिक है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बड़ा मजा आता बनाने कैसे, यानी कैसे ये ऐसे बना हुआ है, ओ है, ऊपर इसको हम, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये कैसे बन गया, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कैसे, ये है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर क्रोमियम पेंटॉक्साइड का। तो सोचिए जरा, इस ओ से इधर रिटर्न विड्रा करेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना, इधर से ए विड्रा करेगा, इधर से विड्रा किया तो इस पे माइनस, फिर एक प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, विड्रा करेगा ए माइनस, ए फिर ए प्लस, ए माइनस हो जाएगा, इधर विड्रा करेगा तो ये फिर एक प्लस, ए माइनस हो जाएगा, तो इधर से विड्रा करे, इसे देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, ठीक है, फिर इसे विड्रा करे, एक और प्लस, एक और माइनस, तो इस पे सीआर पे टू कितने चार्ज आ रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, बोरी बोरी यहाँ पे आ रहे हैं +6 चार्ज, क्या प्लस सिक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने बॉन्ड थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये +6 चार्ज, यानी इसका आंसर क्या गया, +6, जबकि फॉर्मूला क्या था, +10 गलत था। तो स्ट्रक्चर की समझ होना बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चर से आपने देखे कुछ यूनिक एग्जाम्पल स्टार्टिंग में कर दिया था, कि अगर आपको इनके आप सिलेक्शन में निकालना आता है तो ठीक है, तब लेक्चर मत देखिए, अगर नहीं आता देखिए, बहुत अच्छा है यार स्ट्रक्चर से निकालना आप सिलेक्शन नंबर, और आप केमिस्ट्री पढ़ने आए हो, अच्छी प्रिपरेशन करने आए हैं, अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो, बहुत शानदार तैयारी, जबरदस्त, तो स्ट्रक्चर की समझ केमिस्ट्री होना चाहिए, बिना स्ट्रक्चर के केमिस्ट्री कुछ हो ही नहीं सकता यार, ठीक है, कर लेंगे आप लोग, नहीं तो फिर बताइए, हम तो बताएंगे स्ट्रक्चर, बहुत शानदार अप्रोच उसकी भी देंगे आपको हम। खैर इस पे आइए, अब हम लोग कुछ ट्राई करते हैं, कुछ नए एग्जांपल्स। देखिए आपने जितने एग्जांपल देखे हैं, उन सभी एग्जांपल से हमने प्रूव किया कि स्ट्रक्चर मेथड बेस्ट है, ये वाला मेथड बेस्ट है ना, अभी तक तो पढ़ा नहीं आपने, अब इसको कैसे बेस्ट माना जाए, है ना, देखो किसी भी एग्जांपल का, छोटा बड़ा कोई कंपाउंड, सब पे कारगर है, सब पे कोई सी फेल नहीं होगा। जैसे छोटा सा कंपाउंड दिखाते हैं ट्रेलर, जैसे आपसे अमोनिया पर भी पूछ देता, अगर अमोनिया के इस एन पर, तो भी आप कर सकते हो, कैसे, आपको पता है कि एन होता है इस पर 3 H होते हैं, ऐसे इसका भी निकाल सकते हो आप स्ट्रक्चर में फिर से, तो यहाँ पे एन और एच के बीच बॉन्ड है, आप जानते हैं एन की पावर ज्यादा है एच से, तो ये रिटर्न विड्रा करेगा, तो ये हो जाएगा क्या, बोलो बोलो, प्लस ये माइनस फार्मा चार्ज बियर करेगा, इधर से विड्रा करेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एक और माइनस, इधर से विड्रा करते हो जाएगा प्लस एक और माइनस, तो एन पे क्या गया, बोलो बोलो -3 ऑक्सीडेशन नंबर, स्ट्रक्चर से आइडिया है, किसी का भी आ सकता है। जरा हम आपको दिखाते हैं कंपाउंड, देखिए अगर आपसे पूछता हमारे C3H8 का, इस C का पूछ दे, C3H8 में इस C का पूछ दे, या फिर आपसे C3H6 में इस 3 का पूछ दे, तो आप अगर इस मेथड से ट्राई करें तो आंसर जरूर गलत आएगा। तो आप कैसे ट्राई करोगे, आप देखिए ऐसे अगर आप करते हो कैसे निकालोगे, तो जिसका निकालना आपको एक्स एक्स मानते रहे हो, 3x हो जाएगा प्लस माइनस प्लस 1, h का प्लस 1 होता है, इंटू 8 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू क्या, -8, बराबर -8 हो जाएगा ना, तो x इक्वल क्या जाएगा, -8/3, जो कि गलत है, तो क्या करें, बोलो बोलो, अगर आप ऐसे करोगे तो हो जाएगा बेकार आंसर। अब हम स्ट्रक्चर पे आते हैं, स्ट्रक्चर जानते हो कि नहीं, टिन टिन टिन, 3 कार्बन हुए यहाँ पे बोलो, और यहाँ पे एच कितने हैं, 8, तो 1 एच यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना। अभी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जो बनाते वही मान लो, आप स्ट्रक्चर सही बनाएंगे क्योंकि हम बना रहे हैं, सही बनाएंगे, कैसे, ये दिया गया है, ये दिया गया है, दिखाना चाहते हैं स्ट्रक्चरल मेथड से कैसे आंसर निकालोगे,
अभी स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया मत सोचो आप स्ट्रक्चरल मेथड, सपोज स्ट्रक्चर आपको आता है, क्या स्ट्रक्चर आता है तब कैसे निकालोगे, वो सीखना है, बेस्ट है स्ट्रक्चर तो अलग सीख लेंगे लोग, है ना। आइए देखिए अब हम लोग इस पे आते हैं, सी और एच में सी की पावर ज्यादा एच की पावर कम कैसे है ना, जानते हो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, इधर से करें तो ये प्लस ए माइनस, इधर से करें तो ए माइनस और ए प्लस, तो जो डिफ जब जिसकी बस जिसकी ज्यादा हो, अगर एक बॉन्ड हो कोवेलेंट, बस जिसकी थी एक तरफ क्या रहेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक तरफ रहेगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, तो ज्यादा वाले को माइनस कर दीजिएगा, कम वाले को प्लस कर दीजिएगा, एक बॉन्ड पे एक चार्ज लगा दीजिएगा, दोनों सेम सेम को जीरो जीरो कर देना, दोनों बराबर तो क्या जीरो जीरो कर देना, बस आता जाएगा, यही लॉजिक है यहां पर यूज करना है आपको, ठीक, बस ये सिंगल लॉजिक कि अगर कहीं पे कोवेलेंट बॉन्ड बना है, दोनों एटम अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है एक की ज्यादा होगी पावर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, दूसरे की कम होगी, जिसकी ज्यादा उस पर माइनस, जिसपे कम उस पर प्लस कर देना, है ना, तो आ जाएगा ये फार्मूला चार्ज होता है, ऐसा हो सकता दोनों बराबर रहे, दोनों की बराबर है तो कर दोगे क्या आप लोग जीरो जीरो, किस भी बात करें हम, जैसे आपको है ना कोई ऐसे कर लो गीता पर हो जाएगा, इसलिए क्या मान लिया आपको HCl दिया गया, तो आप जानते हैं इसकी क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कंपेरेटिवली ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, माइनस वन ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों सेम सेम होंगे, जानते हैं दोनों सेम सेम होंगे, कोई चार्ज नहीं आएगा, दोनों की बराबर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दो ही तो चांस होता है कि यह कोवेलेंट बॉन्ड, क्या ये क्या है कोवेलेंट बॉन्ड, या तो दोनों सेम एटम के बीच बने या डिफरेंट के बीच बने, डिफरेंट होता प्लस माइनस और सेम होगा तो जीरो जीरो ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, क्लियर, वही यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस पे आगे कितना चार्ज देखिए एक इधर से प्लस थ्री हो गया, या दोनों कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन सेम सेम लॉजिक, तो कोई चार्ज नहीं आएगा जीरो, यानी जीरो इधर भी जीरो इधर भी, बट फिर यहां देखिए ऐसे कार्बन है तो ये कार्बन ज्यादा पावर है, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, इधर से देखिए यहाँ माइनस यहां बनाते हैं इसके बगल में, इसका विड्रॉ करेगा तो यहां माइनस यहां प्लस, ठीक है, अब देखिए फिर यहां दोनों सेम सेम हो गए, सेम ये जीरो, फिर ये जीरो हो जाएगा इधर से, सेम सेम है तो जीरो जीरो, फिर यहां पे सी और एस के बीच बॉन्ड है तो इसकी पावर ज्यादा है तो ये माइनस ए प्लस हो जाएगा, फिर यहां पे माइनस ए प्लस, फिर ये माइनस ए प्लस, तो इस सी पर इस सी की बात करें हम लोग तो माइनस थ्री, इसकी बात करें तो माइनस टू, इसकी बात करें तो माइनस थ्री, इन दोनों अलग अलग देखिए ऐसे, तो अब अगर आपसे पूछता मानी यहां पे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी, अगर इसका पूछता आपसे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, तब आप करते कितना माइनस थ्री प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री अपान कितने कार्बन है थ्री, थ्री कर देते आप तो आता है कितना माइनस एट बाई थ्री, ये आंसर सही होता है, एवरेज पूछा ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग पूछेगा तो आप ऐसे करेंगे, और एवरेज नहीं पूछता जनरली, आप पूछता है अलग अलग तो आप ऐसे करिएगा, यहां देख लीजिए सी थ्री एच सिक्स पूछा गया है, सी थ्री एच सिक्स का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका यह एल्कीन है एक्चुअली, तो सी डबल बॉन्ड सी, आप डबल बॉन्ड यहां कर लीजिएगा एल्कीन है ना, अब इस पे एच लिख दीजिएगा आप लोग, कितने एच कार्बन की वैलेंसी होती है फोर, तो वन टू थ्री फोर फोर हो गए यहां पे, इस पर एक एच देखिए ऐसे यहां पे इस पे वन टू और ऐसे फोर थ्री हो गया, अब इसकी वैलेंसी देखिए यहां पे जितना एक एच यहां कर दे, ठीक है, तो अब ऑक्सीडेशन नंबर बताते हैं, दो डिफरेंट एटम कोवेलेंट बॉन्ड, ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है, पावर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसे यहां पे प्लस यहां पे माइनस, इसकी पावर ज्यादा है, अब तो कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, नहीं ना हो रहा है क्या, नहीं होना चाहिए, अब देखिए यहां दोनों सेम सेम हो गए, सेम सेम कोई चार्ज नहीं आएगा, दोनों सेम सेम कोई चार्ज नहीं आएगा, बट यहां पे देखिए ऐसे ए माइनस ए प्लस, सेम सेम कोई चार्ज नहीं, यानी कि जीरो जीरो, यहां देखिए इस पे एक क्या प्लस, यहां पे एक माइनस, इधर से करें एक माइनस एक प्लस, इधर से करें ए माइनस ए प्लस, तो अब इस पे आ गया माइनस थ्री, यानी इस पर है
माइनस थ्री, इस पर है माइनस वन, इस पर है माइनस टू, अलग अलग था। एवरेज निकालता तो माइनस थ्री माइनस वन यानी माइनस फोर, माइनस सिक्स अपॉन थ्री यानी माइनस टू आता एवरेज। ठीक है, ऐसे करते हैं, कोई एग्जांपल ऐसा नहीं पाएंगे जो इस मेथड से आप नहीं कर सकते। आइए और दिखा दें आपको करके, कोई डाउट किसी को है, बोलिए। नहीं ना, एक और दिखाते हैं आपको, जैसे एक और ट्राई करते हैं। जैसे आपको दिया गया, मान लीजिए कंपाउंड इसका निकालना, जैसे एक दिया गया हो, मान लीजिए आपको एस थ्री पीओ फोर, इसका स्ट्रक्चर तो याद हो गया, बता चुके हैं ना, एस थ्री पीओ फोर हो, एस थ्री पीओ थ्री हो या एस थ्री पीओ टू हो, फॉस्फोरस निकालना लगा, यहां भी पी का निकालना है, यहां भी पी का निकालना है, यहां भी पी का निकालना है। हम लोग स्ट्रक्चरल मेथड का एप्लीकेशन करें, हर जगह अप्लाई है कि नहीं, हर जगह अप्लाई होगा। देखिए अब यहां पे पी स्ट्रक्चर जानते हैं, इसका पी होता है डबल बॉन्ड ओ, फिर यहां पे ओ स्ट्रक्चर कैसे बना है इस पे नहीं फोकस करना है, बस स्ट्रक्चर आपको आता है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखना है, इस पे निकालना है। देखिए बस, देखिए ए तीन है ना फास्फोरस के एसिड्स, अब इसमें एक तैयार करिए, इसमें एक एक को कम करते जाइए, बस देखिए एक एक को कम करते जाइए, ये हो गया, फिर ये हो जाएगा पी, फिर यहां पे ओ एच, फिर यहां पे ओ एच, डायरेक्ट यहां पे एच कर दीजिएगा, ऐसे यहां पे पी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे ओ एच, एक को और कम कर दीजिएगा, देखिए एच, और डायरेक्ट हो गया एच, बस ओ हम कम कर देंगे, तीन ओ एच ओ एच, एक को कम किया, फिर एक और कम कर दिया, ये तीन स्ट्रक्चर आपको एक साथ याद हो गए। एक याद करिए, दो फ्री पाइए, ऑफर ऑफर, एक याद दो फ्री पाओ, वो निकालते जाओ, है कि नहीं। आइए हम लोग, हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। बोलिए इससे क्या जाएगा, यहां पे फिर देखिए पी और ओ के बीच बॉन्ड है, तो ओ की पावर ज्यादा होती है, ओ फोन 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 याद है, एफ ओ एन, बहुत ज्यादा यूज है फोन का आजकल, है नहीं। तो यहां पे देखिए फिर यह इसकी ज्यादा है, तो ये फिर से विड्रॉ करेगा माइनस, ये होगा प्लस, हम इस ओ की बात नहीं, ओ की बात करेगा तो ये विड्रॉ करेगा, तो ये प्लस ये माइनस, ओ पे तो माइनस टू चार्ज हो जाएगा, है नहीं, हम पी पे फोकस करेंगे, कैसे, फिर एक प्लस, फिर एक माइनस, इसको देखे तो ये माइनस, फिर ये प्लस, हम लोग ओ पे देखिए पी ये करेगा तो ये माइनस और ये प्लस, इधर से करे ए वाला तो ए प्लस ए माइनस, एक और करे तो एक और प्लस एक और माइनस, इधर से देखे तो माइनस ए प्लस, हम लोग पी पे आए, पी पर चार्ज देखिए क्या है, देखिए एक इधर से एक प्लस, दो प्लस, तीन प्लस, चार पांच, कितने फाइव प्लस हो रहा है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे प्लस फाइव है, कितना आसान रहा, बहुत आसान है कि नहीं, कोई भी निकाल सकता है। देखिए इसके आइए, यहाँ पे P और H के बीच बॉन्ड है, तो P और H में P की पावर ज्यादा होती है, दरअसल H जो है बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बहुत कम बहुत कम बहुत कम, ए हो जाएगा प्लस, ए हो जाएगा माइनस, फिर यहां देखिए ए वाला आपकी ओ ज्यादा है तो यहां हो जाएगा क्या माइनस, यहां हो जाएगा प्लस, फिर विड्रॉ करेगा तो यहां माइनस, यहां पे प्लस, ठीक है, फिर इस ओ की ज्यादा है तो फिर विड्रॉ करेगा ये प्लस ए माइनस, इधर से ए करेगा तो ये प्लस और ए माइनस, हम लोग अगर पी फोकस करें, अगर आप ओ पे देखना चाहें तो ये इधर से फिर कर लेगा दो माइनस एक प्लस, इसका करने का देखिए यहाँ पे जो एच है ना ऐसे, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, हम लोग पी पे आते हैं, पी का चार्ज काउंट करते हैं। देखिए इससे विड्रॉ किया, एक प्लस आया, दो प्लस आया, तीन प्लस आया, चार प्लस आया, एक माइनस आ गया, फोर प्लस एक दो तीन चार प्लस है, एक माइनस गया, तो एक प्लस माइनस कट गया तीन प्लस, यहाँ पे पी की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया प्लस थ्री, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, इसे बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, फास्फोरस शो करता है, बहुत लोग शो करते हैं, इसमें भी है, तो इससे आते हैं, ये देखिए यहाँ पे पी और ओ के बीच बॉन्ड है, तो यह विड्रॉ करेगा ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ए प्लस, बोलो ठीक है, कोई डाउट है किसी को, नहीं ना। अब इस पे आ जाइए, पी और एच, पी और एच, पी की पावर ज्यादा होती है इलेक्ट्रोलाइटिक की, तो बोलो ये अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, बोलो बोलो बोलो, यहाँ पे पी और एच, पी और एच, फिर वही कहानी लाया हूं आपके लिए, क्या ये विड्रॉ करेगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, इधर से फिर देखो क्या आ गया, फिर वो आ गया,
ओ की पावर फोन वाला है, क्या हो जाएगा विड्रॉ करेगा कौन, ए वाला तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, इधर से करें तो ए माइनस ए प्लस, हमें तो मतलब है फास्फोरस से। फास्फोरस के तीन प्लस दिख रहे होंगे आपको, देखिए 1 2 3 3 प्लस, 2 माइनस भी 2 कट गया, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 और प्लस 5 ऑक्सीडेटेड्स, वेरिएबल ऑक्सीडेटेड्स है ना, फर्स्ट अलग अलग होता है, कोई डाउट नहीं किसी को, किसी भी कंपाउंड का पूछना इस मेथड को ट्राई करो, आंसर कभी गलत नहीं हो सकता। कोई और आपके पास है कुछ भी हो फोन करें या लिख के भेजिए, उसका आंसर पाएंगे आप इस मेथड से, निकाल कर जाएंगे आपको दिखाएंगे, और आपको सीखना भी इसी मेथड से है, क्योंकि यार आप जेई मेंस देने वाले हो, जेई एडवांस देने वाले हो, नीट देने वाले हो या बोर्ड एग्जाम भी देने वाले हो, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए, फिर दिक्कत आलम दिक्कत होगा फिर, है ना। अरे वाह, एक और जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूपीएससी नहीं लिखते हो, यूपीएससी कोऑर्डिनेशन का, तो वहां भी आप सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, तो आना ही चाहिए, छोड़ नहीं जा सकते इसको, आप सबको सीखना पड़ेगा ना, ठीक है। आइए जरा डिस्कस कर लेते हैं फार्मूला मेथड पे, कुछ मेथड्स हैं जैसे हम लोग स्ट्रक्चर पर निकाल लेते हैं, स्ट्रक्चर पे आसान क्यों होता है, क्योंकि आपको देखना होता है केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, एक बॉन्ड पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कर देते हैं, सभी का आंसर आता जाता है, कोई एक सबसे नहीं मिलता इसका, बहुत ज्यादा आसान है, न समझ आए तो पूछना, हम आपको समझा सकते हैं ऐसे, ठीक है, इंजीनियर मिलकर समझा देंगे अच्छे से, बट आना चाहिए सबको, केमिस्ट्री जब पढ़ना शुरू किया तो आना चाहिए नहीं अच्छे से, कभी भी डाउट लगे तो बेहचक पूछना, बेहचक चाहे, है ना, इतने दिन लोग पढ़ते हैं, 400-500 लोग पढ़ते हैं क्लास में, है कि नहीं, तो पूछो ना आप, सीखो ना आप, कब सीखो गया, तो शुरुआत क्यों सीखो अच्छे से, ठीक है। आइए हम लोग इसको ट्राई करते हैं कुछ फॉर्मूला मेथड से, उसको भी कर लेते हैं हम लोग आपके साथ मिलकर, वो भी समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से, दिखाते हैं, देखिए यहां पे हम आपको दिखाते हैं फॉर्मूला मेथड से कुछ सवाल, ठीक है, यहां तरीका क्या हो सकता है, कुछ मेथड्स हैं आपको कुछ पॉइंट्स याद करने होंगे करने के लिए, सबसे पहले याद करना क्या कि कोई भी मॉलिक्यूल, नहीं मॉलिक्यूल में सेम एटम से मिलकर भी जो मॉलिक्यूल बनेंगे उनमें हमेशा एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी, सेम एटम से मिलकर बनेंगे जो मॉलिक्यूल उसमें उस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो रहेगी। जैसे बड़ी आसान सी स्टोरी, जैसे O2 दिया गया है, O और O के बीच बॉन्ड है, जब O और O के बीच बॉन्ड है तो इस पर कोई चार्ज आएगा नहीं, तो ये तो आता है कि दो ही चांस है कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो या तो होगी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या होगी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो कम वाले प्लस ज्यादा वाले माइनस करते हैं फॉर्मल चार्ज। अब दोनों सेम अगर हो जाते हैं, दोनों सेम जैसे सीएल सीएल ऐसे तो जीरो जीरो कर देते हो, तो जब दोनों सेम है तो इसे कोई चार्ज नहीं जाएगी, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ऐसे अगर आपसे पूछ दे P4 इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P जीरो, ऐसे पूछ दे आपसे S8 तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू जीरो, जब जहां पे सेम एटम होंगे, सेम एटम के बीच सेम एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना होगा लाइक ऐसे, तो हमेशा वहां पे एटम की ऑक्सीडेशन नंबर होगी जीरो, एटॉमिक फॉर्म में ऑलवेज जीरो, याद कर लेंगे सब लोग, पहला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट रहा है, सेम एटम से मिलकर बने मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में एटम की ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज जीरो होगी, क्योंकि सेम होगी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब सेम होगी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसकी वजह से कोई चार्ज आ नहीं पाएगा, चार्ज आ नहीं पाएगा तो जीरो, समझ आ ही गया होगा। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, समझते जाओ यार, लिखते जाओ दूसरा पॉइंट, साथ में चार लिखते जाए तो ठीक है। दूसरे पॉइंट पे दो चीज और होता है, अच्छा एस ब्लॉक वालों के, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक दो फैमिली क्या, एक फर्स्ट है और एक सेकेंड है, जानते हो नहीं, इन्हें बोलते हैं आप एल्कली मेटल्स, क्या बोलते हैं इनको आप एल्कली मेटल्स, क्यों बोलते हैं आप वहां जानते हो, इन्हें बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है।
इसमें जो रहेंगे उनकी ऑक्सीडेशन नंबर रहेंगे प्लस वन, यहां जो रहेंगे प्लस टू। कंपाउंड में ऑलवेज प्लस वन शो करेंगे, ऑलवेज प्लस टू शो करेंगे। कौन कौन इसमें है? ली ने किया रब से फरियाद, यह लीना की रब से फरियाद, ठीक है, यह है लीना की रब से फरियाद। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम, यह रेडियो एक्टिव है, दिक्कत नहीं है। तो कंपाउंड बनाए गए हैं हम लोग यहाँ पे, कहीं भी देखें किसी कंपाउंड में ये ऑलवेज शो करेंगे प्लस वन ऑक्सीडेशन रेट्स। कंपाउंड में क्योंकि जब इसके लास्ट सेशन में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे तो इस पर एक प्लस आएगा, जब एक प्लस आएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या रहेगी? प्लस वन। याद रख पाएंगे आप लोग क्या रहेगी? प्लस वन क्या नहीं, हाँ इसके आते हैं प्लस टू। इन्हें देखिए क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ये रेडियो एक्टिव दिक्कत है, रेडियो एक्टिव है, हम इसकी बात करते हैं, यानी कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये दिया गया है कि ये कहीं भी रहेंगे इनकी ऑक्सीडेशन नंबर आगे प्लस टू रहेगी, बाप प्लस टू, क्योंकि इनके लास्ट के सेल में दो इलेक्ट्रॉन है, जब लास्ट के सेल में दो इलेक्ट्रॉन है जब ये कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो प्लस टू लूज करेंगे, दो ही त्याग करेंगे ना, जब दो इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे तो ऑलवेज प्लस टू शो करेंगे। याद कर लीजिए एस ब्लॉक में दो ही लोग हैं, फर्स्ट है वाले प्लस वन लेना की रब से फरियाद, और ये बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऑलवेज प्लस टू। याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान है, ये दो रूल हो गए आपके पास। तीसरे पे आते हैं, देखिए हम जाते हैं न्यूट्रल कंपाउंड, फॉर न्यूट्रल कंपाउंड साथ में लिखते चले आप लोग, है ना, न्यूट्रल जिसमें कोई चार्ज ना हो, न्यूट्रल कंपाउंड का मतलब जिसमें कोई चार्ज ना हो, जैसे K2Cr2O7 या पोटेशियम डाइक्रोमेट है, कोई चार्ज है क्या इस पे? नहीं, मतलब कंपाउंड न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल कंपाउंड। तो ओवरऑल इसका चार्ज क्या? जीरो हो गया, और चार्ज को ही आप बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो रिजेक्टेंट क्या? जीरो आ गया। तो मतलब क्या है, इसमें जितने एटम है किसी न्यूट्रल कंपाउंड में, जितने एटम होंगे सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम ऑलवेज जीरो होगा। मतलब जितने एटम हैं सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का योग यानी सम जीरो होगा। जैसे पोटेशियम यानी यह 2 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम, ठीक है, प्लस 2 Cr है, Cr के नाम पे हंसी आ रही है, देखा है क्या Cr को? अच्छा बताओ तो क्या डिफरेंस होता है डॉग एंड जैकॉल में? आप बताइए, दिन भर चश्मे संभालते रहते हो, नहीं बता पाओगे। आज देखते हैं क्या 2 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr प्लस, यहां पे कौन है? ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन। तो 7 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। जब कोई चार्ज नहीं है तो आप ऐसे कर लेना, कोई चार्ज नहीं होगा तो सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम ऑलवेज होगा 0। कर लीजिए, सब लोग कर लेंगे ना। हाँ, ये तीन नियम हो गए, फॉर आयनिक स्पीशीज, मतलब कोई आयन होगा, ठीक है, इस कंडीशन में क्या करेंगे? जैसे हम आयन देते हैं आपको Cr2O7 2- डाइक्रोमेट आयन, इस पे 2- चार्ज देख रहे हैं आप लोग, जिसपे जितने एटम हैं सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम ऑलवेज इस चार्ज के बराबर होगा। कितना चार्ज? -2। सेम पैटर्न अप्लाई कर लीजिए, देखिए कैसे 2 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr प्लस, -2 होता है O का, है ना, तो -2 निकाला थोड़ी है, क्या है 7 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2। ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, न्यूट्रल होगा तो बराबर 0 कर देना सबको जोड़ करके, और चार्ज होगा तो बराबर उस चार्ज से इक्वल कर देना, ठीक। ऐसे अब हम लोग दिखाते हैं एक और नया चीज, देखिए आपके लिए खत्म हो जाएगा जल्दी, थोड़ा लेक्चर बचा है। जैसे आपको हम एक नंबर 5वां दिखाते हैं, जैसे हम H की बात करें फॉर हाइड्रोजन,
क्या क्या इसमें हो सकता है। तो इसके तीन केस हम एच की बात करने वाले हैं, एच की जैसे यहां लिख देते हैं एच की बात है ना। तो एच टू मतलब क्या, दोनों सेम एटम हो गए, एच और एच के बीच कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जब एच और एच के बीच बॉन्ड होगा इसका मतलब कोई चार्ज आएगा नहीं। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एच इज इक्वल टू जीरो। दूसरा चांस क्या है, यह किसी मेटल के साथ बॉन्ड है, मेटल के साथ, यानी जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ एम मेटल जुड़ा होगा कह सकते हो एच इज अटैच्ड विद मेटल। एक केस भी हो सकती है, इस केस में जो है जनरली क्या होगा, हाइड्रोजन नॉन मेटल और मेटल के साथ ये कनेक्ट हो रहा है, तो मेटल का काम इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है, लूज करेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो जानते हैं एच के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, मतलब यहां पे ऑलवेज होंगे माइनस वन। ठीक है, जैसे हम बात करें NaH की, सोडियम हाइड्राइड की, तो जानते हो क्या, एक प्लस हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा, सोडियम मेटल है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा है ना, तो ऐसे आ गया प्लस माइनस, यहां पर माइनस वन होगा, कब, जब एक जुड़ा होगा किसी मेटल के साथ, तो यहां पर भी ये माइनस, ये ऐसे होता है। तो बोरॉन एक ऐसा नॉन मेटल है जो इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहां पे माइनस ए प्लस, फिर ए माइनस, फिर ए प्लस, फिर माइनस प्लस, ये स्पेशल केस याद रखना। दरअसल बोरॉन की क्या पावर कम होती है एच से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इसलिए ऐसा है। इस रिएक्शन का यूज करेंगे हम लोग, याद है ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इसी लॉजिक का यूज करते हैं वहां पर हम लोग। फिर आगे आते हैं, देखिए एक और केस बनती है, हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के साथ जब यह होता है तो जनरली जो है बोरॉन को छोड़ करके हाइड्रोजन की कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल से, बस बोरॉन को छोड़ करके, बोरॉन नॉन मेटल है, यह है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऐसा है, जाहिर सी बात है, अगर ऐसा है फिर ए हो जाएगा माइनस और ए हो जाएगा प्लस, तो यहां पे क्या हो जाएगी, प्लस वन। ठीक है, जिसकी ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके माइनस और कम होने प्लस लिखते हैं। यह हो गया एच के केस में, याद हो जाएगा आसानी से, ऐसे हो देख लीजिए क्या है छठवां पे। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के लिए, फॉर ऑक्सीजन, इसके बाद हाइड्रोजन लास्ट रहेगा। अब पढ़ते हैं ओ के लिए, ओ में कौन कौन केस बन सकती है, देखिए पूरी ओ की केस क्या बन सकती है। एक तो हो सकता है आपके लिए O2 में क्या है, वही सेम स्टोरी, दो सेम एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है, कैसा है समझ आ रहा है क्या आपको, जमाई आ रही है। तो यहां पे ऐसी केस में O की ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी जीरो, क्योंकि दोनों सेम एटम है तो कोई चार्ज यानी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी यहां पे जीरो। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम एटम कोई चार्ज नहीं होगा तो जीरो हो जाएगा। और नॉर्मल इन जनरल जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो होती है माइनस टू, जनरली इसका माइनस टू होती है। रीजन आप जानते हैं ओ का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8 होता है, कितना 8, लास्ट के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6, 6 इलेक्ट्रॉन, जब लास्ट के सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, अगर ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन करना है तो 6 से 8 कैसे करेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 गेन किया तो 2 माइनस आ जाएंगे, 2 माइनस आ जाएंगे तो माइनस 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसका एक और केस ही क्या है, क्या आप सभी लोग पराक्साइड को जानते हैं, अरे बोलो, पराक्साइड का मतलब होता है ओ और ओ के बीच सिंगल बॉन्ड, तो इसी को पराक्साइड कहा जाता है, पराक्साइड इधर कोई और हो सकता है। ठीक, जैसे सबसे छोटा सा पराक्साइड हम H2O2 की बात करें, जनरली कहा जाता है पराक्साइड में ओ की ऑक्सीडेशन नंबर होती है जनरली माइनस वन, क्या होती है माइनस वन, कैसे देखिए ये दोनों सेम है, ओ और ओ इसी पराक्साइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ओ और ओ के सिंगल बॉन्ड को पराक्साइड बॉन्ड कहते हैं, तो इसकी वजह से कोई चार्ज आएगा नहीं, बट इधर एच है, जब इधर एच है तो इस पे इसकी पावर ज्यादा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, इधर ए माइनस ए प्लस,
तो एक ओ पर क्या आ रहा है, माइनस वन तो आ रहा है ना, तो इस वजह से कहा जाता है ओ की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाती है, माइनस वन। परऑक्साइड है माइनस वन, नॉर्मली माइनस टू होती है और ओ टू में जीरो होती है, तो आपको याद करना होगा। ठीक, अब कुछ ओ की स्पेशल केस है जो आपको अलग समझना होगा। जैसे ओ के साथ कोई हेलोजन जुड़ता है, मान ले कभी कोई भी हेलोजन, हेलोजन है फ्लोरीन, ऐसे फ्लोरीन जुड़ गया इसके साथ ओ एफ टू में, क्या है ओ एफ टू, तो आप जानते हैं फोन 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 करना सबको आता है, लेकिन फोन का मतलब सबको नहीं पता। ये है फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सबसे पावरफुल कौन है, एफ, ओ से मजबूत है कि नहीं। तो इस केस में ये इलेक्ट्रॉन ऑपरेटर विड्रा करते हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, इधर से करेगा तो ये हो जाएगा माइनस, हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे ओ की माइनस प्लस टू है, देखिए तो ओ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है जब इसके आसपास रहेगा फ्लोरीन, समझ गए क्या शो करेगा, प्लस। और भी जैसे आप बात करें कैसे, अगर यहां रहता एफ ओ ओ एफ, ऐसे मान रहता परऑक्साइड वाला एफ, फिर सेम स्टोरी, ये माइनस, सॉरी उल्टा हो गया, ए होगा माइनस, ए होगा प्लस, सेम सेम कोई चार्ज नहीं आएगा, फिर यहां पे एफ ए माइनस ए प्लस, तो यहां पे प्लस वन हो गया, देखिए प्लस टू भी है ना, याद करना इसको, याद रखिएगा ध्यान से, करिए कर लीजिए आप लोग। एक इसमें कंपाउंड और फेमस है के ओ टू, इसे बोलते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, क्या बोलते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ठीक है। तो सुपर ऑक्साइड में कैसे, इसका प्लस वन ओ कर लेते हैं, प्लस ऐसे करते हैं, प्लस वन टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, और एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, तो सुपर ऑक्साइड में होती है माइनस वन बाई टू। यह कुछ स्पेशल केसेस हैं इसके, देख लीजिएगा यहां से। ठीक, अंतिम पॉइंट इसका फास्ट सा देख लेते हैं यहां पे हेलोजन के बारे में, लास्ट में बहुत छोटा सा है। फॉर हेलोजन है ना, और तब उसमें कौन कौन है, एफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टेटीन, एक रेडियो एक्टिव को दिक्कत देंगे इन चारों के बारे में। दरअसल फ्लोरीन देखिए, इन जनरली इसका तो माइनस वन, पूरे का माइनस वन होता है, जनरली क्या होता है माइनस वन। अब जब ये बनाएंगे एफ टू सीएल टू बी आर टू, जैसे मान लीजिए बनाते हैं सीएल टू बी आर टू ऐसे, तो जीरो हो जानते हो आप लोग, क्योंकि दोनों सेम एटम होंगे है ना, सेम होंगे जीरो होंगे, बट नॉर्मली माइनस वन होता है। वजह क्या है पता है, जैसा हेलोजन के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं सात सेवन, देखिए इसी एफ की बात करें तो एफ का एटॉमिक नंबर क्या नाइन होता है ना, नाइन, तो बनाओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट में इलेक्ट्रॉन आएंगे सात, जब सात होंगे तो आठ करना है, कितना चाहिए गेन करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, जब एक ही गेन करना है तो कितना माइनस आएगा बोलो, एक माइनस, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगी, माइनस वन, जनरली माइनस वन होती है, जनरली माइनस वन। लेकिन अगर इनके साथ कोई ज्यादा पावरफुल एटम जुड़ जाएगा तो पॉजिटिव भी शो कर सकते हैं, ठीक है, ये आप सभी ने देखा है इसमें। ठीक, एक बार सभी रिवाइज करिएगा, ये इसके मेथड्स हैं। जैसे किसी कंपाउंड का हम आपको दिखाते हैं फॉर्मूले से, एग्जांपल प्रैक्टिस, जैसे आपको देता मान लीजिए दिया है के टू सी आर टू ओ सेवन का करना है, सी आर का निकालना पड़ जाए फार्मूले से, तो के का क्या है प्लस वन होता है, कैसे, यह फर्स्ट ए में है एल्कली मेटल्स, तो फर्स्ट प्लस वन हो गया, टू के हैं तो प्लस टू, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, सी आर का निकालना है एक्स मान लेते हैं टू है, टू एक्स कर दिया, प्लस ओ का माइनस टू होता जनरली जानते हैं आप लोग है ना, और सात है तो सेवन से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इज इक्वल टू जीरो कर दिया हमने, तो टू एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस ट्वेल्व, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस सिक्स। इस तरह से निकालते हैं लोग इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, फॉर्मूला का ऐसे उपयोग कर सकते हैं लोग, किसी का भी पूछना हो है ना, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर हमने सभी करा लिया है, आप फॉर्मूले से भी करके चेक करिएगा, अगर आप कोई डाउट बने आपका ना कर पाए तो बेहिचक आपसे पूछिएगा, लिख दीजिएगा इसमें टेक्स्ट में, या अगर आप क्लास में पढ़ते हैं हमसे तो उसे पूछ लीजिएगा, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स इक्वेशन के टाइप्स, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशंस। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू।
कुछ पूछना है क्या आपको? ठीक है, थैंक यू।